हरियाणा में कल से नामांकन शुरू होंगे। छठे चरण का नोटिफिकेशन कल जारी होगा। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे प्रत्याशी। प्रशासन ने नामांकन की तैयारी पूरी की है। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। 9 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन को वापस ले सकते हैं। बता दें आपको कि हरियाणा में छठे चरण में मतदान होना है। 25 मई को छठे चरण में वोटिंग होनी है। 4 जून को इसके नतीजे आ जाएंगे और इसी को लेकर अब नामांकन की तारीख भी जारी कर दी गई है और छठे चरण का नोटिफिकेशन कल जारी हो जाएगा। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, नामांकन की तैयारियां हो रही हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहने वाले हैं। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी, ऐसे में और क्या जानकारी? इस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया का आगाज हो जाएगा। हरियाणा के मामले में छठे चरण में चुनाव होने हैं 25 मई को और 6 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 7 मई को स्क्रूटनी होगी, यानी कि नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मई तक जो है नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। और तो देखिए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई और अभी हालांकि कांग्रेस ने अभी लिस्ट उनकी 2 दिन भी नहीं हुए आए हुए और अभी भी गुरुग्राम के मामले में कांग्रेस निर्णय की स्थिति में है और नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है कल से। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि कितना कुछ रहता है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर और निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारियां की गई है और खासतौर पर प्रत्याशियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ये देखिए इस तरह से नामांकन पत्र जब दाखिल होता है तो शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं उम्मीदवार अपना, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से निर्देश है कि जब नामांकन दाखिल करने के लिए निर्वाचन अधिकारी के सामने आए तो उस समय उम्मीदवार के साथ केवल 5 आदमी हो और 3 गाड़ियों के साथ ही वे उस स्थान पर जहां चाहे लघु सचिवालय की बात करें वहां पर दाखिल होंगे या जहां भी दाखिल किए जा सकते हैं उस समय उनके साथ 3 गाड़ियां ही आ सकेगी। ऐसे निर्देश जो है वो चुनाव आयोग की ओर से दिए गए हैं। जी अमित, साथ ही आपने देखिए कांग्रेस का भी जिक्र किया, अब एक सीट पर हालांकि पेच अभी भी फंसा हुआ है, ज्यादा भी समय रह नहीं गया है। अन्य दलों की बात भी करें तो अभी कैसी तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है कि अपनी पूरी तैयारी सभी दलों को सभी पार्टियों को रखनी होगी। निश्चित रूप से सृष्टि, आपने सही कहा कि सभी को ही अपनी तैयारियां मुकम्मल करनी पड़ती है और इस मामले में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बढ़त शुरुआती तौर पर ही बना ली थी क्योंकि सबसे पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और दूसरी ओर कांग्रेस है वो अब तक अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान पूरी तरह से नहीं कर पाई है। हालांकि देखिए हरियाणा के मामले में INDA ये गठबंधन के तहत एक सीट तो आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र भी दिया जा चुका है और एक का भी बाकी है और उस पर भी मंथन चल रहा है, माथापच्ची चल रही है, देखिए कब तक उसमें भी ऐलान होता है। लेकिन अब देखने वाली है और बाकी पार्टियों की अगर बात करें NLO और JJP वो भी अभी कुछ सीटों पर ही ऐलान कर पाई है उम्मीदवारों का, सभी सीटों पर प्रत्याशी संभवतः उनके अभी भी मंथन चल रहे हैं, अब प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं और इस बार वैसे भी देखिए चुनावी लड़ाई जो है वो अस्तित्व कई पार्टियों के लिए अस्तित्व बचाने की चुनौती उन पार्टियों के सामने भी है। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि उनके कौन कौन से उम्मीदवार सभी 10 सीटों पर सामने आते हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार गुरुग्राम सीट पर कौन सा सामने आता है और एक और सीट है जो करनाल की विधानसभा उपचुनाव वहां भी होना है तो वहां के लिए भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार अभी घोषित करना है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने भी अभी काफी चुनौतियां हैं और दूसरी ओर चुनाव प्रचार को कैसे गति दी जाएगी, असंतुष्टों को कैसे खुश किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। देखिए अभी भी असंतुष्ट धड़े हैं कांग्रेस के जिन्हें टिकट नहीं मिली, वे मायूस हो रहे हैं और अपने अलग अलग बैठके कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की अपनी भूमिका निभाते हैं यह भी देखने वाली बात होगी। और साथ साथ देखिए जो एक संकट कांग्रेस के सामने अंतर कलह का रहता है उस पर भी लगाम लगाने के लिए उन्हें बड़ी कोशिशें करनी होंगी। जी सृष्टि, चलिए बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी और कल से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने जा रही है।